आज जो इंडिया इस स्थिति पहुंचा है ना, जी मोदी की देन है। एमपी के मन में कौन है, मोदी या कांग्रेस? अपने प्याज मन में जय बजरंग बली, कर दे बली। खड़गे ने कहा कहा था जय बजरंग बली, तोड़ दे किंडली। क्या था बोलो बोलो, मीडिया बारे बोलो, कही कि नहीं कही? मीडिया बारे जीतेगा तुम इनके खरीदे गए हो। अच्छा, और कभी बात बोल रहे हो। नमस्कार, मैं हूँ प्रवीण गौतम। दोस्तों, एक तरफ दिवाली का त्योहार है, दूसरा चुनाव का त्योहार है। मध्य प्रदेश में दोनों त्योहार एक साथ हैं, तो एमपी के मन में क्या है? एमपी के मन में मोदी है या कमलनाथ है? क्योंकि बीजेपी ने चुनाव मोदी के नाम पर बना दिया है, तो सीधा सवाल पब्लिक से पूछते हैं कि पब्लिक के मन में क्या है, मोदी या कमलनाथ? मूड ऑफ पब्लिक में आइए जानते हैं पब्लिक की राय। मोदी का जादू चले गया या कांग्रेस का? मोदी का। मोदी का इस मुद्दे पे सपोर्ट कर रहे हैं? बढ़िया, मोदी सबसे बेस्ट है मोदी। अच्छा, क्या पसंद आया? बहुत पसंद आया उसमें तो। वो कांग्रेस वाले तो कहते हैं महंगाई बहुत कर दी डबल इंजन सरकार ने। कुछ नहीं किया उसने, अच्छा किया। तो क्या क्या पसंद आया मोदी जी का काम? मोदी का सबरा काम अच्छा है। जैसे दो तीन काम बताइए। बहुत अच्छा काम है उसके, दो तीन क्या पूरे ही अच्छे काम है उसके। तो दो चार तो बता दो। दो तीन क्या सबरी चाहिए, सिलेंडर सस्ता कर दिया। सस्ता कर दिया और क्या, 950 का कर दिया। सस्ता हो गया और क्या, मतलब कांग्रेस सरकार में 400 का था, महंगा था। कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया, कांग्रेस राज में 400 का था तो सिलेंडर महंगा था, मोदी जी ने 950 का कर दिया। मोदी ने अच्छा किया, सस्ता कर दिया। हमारे लिए तो मोदी ने अच्छा किया। अच्छा, एमपी के मन में कौन है, मोदी या कांग्रेस? मोदी। मोदी, सबके मन में मोदी है। मोदी मन में मोदी है, यहाँ पे जितने भी खड़े हैं सब मोदी मोदी है। अच्छा, मोदी। क्या अच्छा लगा मोदी जी में? मोदी आज जो इंडिया इस स्थिति पहुँचा है ना, जो मोदी की देन है। आज यहाँ चांद पर पहुँचे हैं और जो भी राम मंदिर का कार्य हुआ है, जो ऐसे ऐसे जो भी कार्य हुए हैं, आज 50 साल की सरकार में कांग्रेस ने कभी नहीं कर पाए। 70 साल की में तो चांद पे तो कांग्रेस ने भी पहुंचाया था। फेल हो गया ना जो मिशन फेल तो मोदी सरकार में भी हुआ था। फेल हुआ था, बस अक्सर भी उन्होंने नहीं किया है। वैज्ञानिक करते ना, करते रहते हैं। सरकार का काम तो बजट देना है। मनमोहन सरकार ने भी दिया, मोदी ने भी दिया। अब मोदी जी थोड़े वैज्ञानिक है, गुरु मंत्र थोड़ा दिया था। नहीं, गुरु मंत्र वाली बात नहीं है, जो उनके राज्य में हुआ है ना, वो हमारे लिए सच्चम हुआ है। जो भी कार्य हो रहे हैं, एक नंबर हो रहे हैं। तो राम मंदिर का सरकार से क्या लेना देना है? वो उनका माला मैटर है। जो धार्मिक धार्मिक स्थान है, उसको अभी तक क्यों नहीं किया कांग्रेस? सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया ना। सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो एक बहाना है, और भी लड़ाई लड़ी है। एमपी के मन में कौन है, मोदी या कांग्रेस? अपने प्याज मन में है। प्याज प्याज 100 रुपए किलो प्याज है गई। अच्छा, गरीब आदमी का खाओ, शिवराज है खाएंगे कि कमलनाथ है खाएंगे? मीडिया वाले का तुम बिल्कुल ही खरीदे भाई हो। मीडिया वाले जीतेगा तुम बिल्कुल ही खरीदे भाई हो। अच्छा, और कभी बात बोल रहे हो। तो मोदी जी तो भ्रष्टाचार पर प्रहार कर रहे हैं ना, छापेमारी करा के। मोदी जी ने कितने भ्रष्टाचार न करे, हवाई अड्डे में भ्रष्टाचार कर दे, विमान खरीदते में भ्रष्टाचार कर दे, काय में भ्रष्टाचार नहीं कर रहे? वो अड़ानी के चक्कर में देश करने की। निर्मला सीतारमण कहती हैं कि मैं भी प्याज नहीं खाती, आप भी मत खाओ ना, थोड़े दिन क्या हो गया? प्याज नहीं खाएंगे, स्वाद कैसा होगा सब्जी में? तो देश हित में थोड़े स्वाद कम ले लो, क्या हो गया? नहीं खाते प्याज, आज पंडित मांस खा रहे हैं। बोलो तो देश हित में थोड़े स्वाद कम ले लो ना, प्याज टमाटर थोड़ा सा कम खा लो। दोनों हाथ पाँच दोनों प्याज खाएंगे, दोनों खाएंगे हम, दोनों खाएंगे। प्याज उगाई हम रहे हैं तो भैया, मीडिया से बीजेपी बात नहीं की है। बात मेरी ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा क्यों लगता है? ऐसा लगता है, और पहले पहले से एक चुनाव मीडिया नहीं आई है, आज मीडिया आ रही है। प्रधानमंत्री घर घर घूम रहा हूँ आज, पहले नहीं आए प्रधानमंत्री भाई के ऊपर कमान सौंप दिए। क्या चक्कर है जी? वो तो यूँ कहते हैं कि एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी। नहीं, हमारे मन में नहीं है। अच्छा, हमारे मन में नहीं है। कह रहे डंका बजा दिया दुनिया में, पहला बजा दिया, बजा क्या थे हम तब? अब समझदार है, आम बच्चा समझदार है। एक रुपए का लालच दिया ना बैलों को, सिर्फ घपला है सिर्फ। ये हमारा ही पैसा लग रहा है, प्याज में बढ़ा दिया, बोल निकाल रहे थे। अच्छा, और गालियाँ क्यों दे रहे हो? गालियों तो ना टी वी आता से तो आदमी जो तो कहेंगे सही कह रहे हो आदमी जी। अच्छा, गुस्सा है मतलब? गुस्सा है, गुस्सा तो है।
अब एक युवा कह रहे थे कि चांद पे पहुंचा दिया मोदी जी ने, पहुंचा दो चांद ने पहुंचा। जब विज्ञानी कह रहे हैं हिंदुस्तान में, विज्ञानी कह गए कि मोदी कहां लग रहे हैं, मोदी जी ने गुरु मंत्र दिया ये कह रहे हैं। कुछ नहीं दिया गुरु मंत्र, ये आम आदमी अपने जो पढ़े लग गए तेरने, जो अपने पढ़े लग गए ना वो तो तुम फिर रहे हो, मीडिया से पढ़े लग गए वो तब घूम रहे हो, वैसे ही घूमते तुम। अच्छा हमें पकड़ा तो कैसे घूम जाएंगे हम। डबल इंजन ने काम नहीं किया एमपी में, जो आप इतना गुस्सा हो, कैसा है डबल इंजन क्यों घूम रहे हैं, जिनकी चारों तरफ से जो हो गई है, जिनकी नाक बन रही है कि हम जीत जाएं, तब तक पहले शिवराज तो अब तक डबल इंजन शिवराज सिंह ले आते पहले, अब तक मोदी ले अमित शाह ले जन काका ऐसा कर्नाटक में हुआ था, हुआ क्या हुआ वहाँ एक दिन में फट्टा साफ है कहना लगेगा। अच्छा हुआ पूरे मंत्रिमंडल मध्य प्रदेश को दिल्ली को सिकरे को मंत्रिमंडल पटक दबन ने कर्नाटक में जाके, और कर्नाटक ऐसे है कि चित्त है गई। मोदी ने कहा वो बजरंग बली जय बजरंग बली कर दे बली, खरगे ने कहा कहा था जय बजरंग बली तोड़ दे की नली, कहा था बोलो बोलो मीडिया वाले बोलो कही कि नहीं कही, तो सिगनी की नली टूट गई। मोदी जी कहते हैं मैं गरीबों का दर्द समझता हूँ, चाय चाय मैंने बेची है, आज 2.5 लाख रुपया रोजगार दे रहे हैं, 50 रुपया 1000 रुपये रुष्ट दे, अब मुझे बता दो 2.5 लाख रुपया तुम बुनियाद भर के बता दो मकान की, तुम क्या कर दिया 2.5 लाख में बुनियाद भरवा दोगे तुम, तो अपना खुदा को मार मकान के लिए 2.5 लाख दे रहे हैं है? मकान के लिए नहीं कह रहे हैं बाबा बार बार गरीबों के लिए जेब कर दिया वो कर दिया, आवास दे रहे हैं गरीबों के लिए मकान दे रहे हैं, 2.5 लाख रुपये हम तो क्या करोगे, हम 2.5 लाख रुपये हमारे आऊगा ना वैसे धोखे में भी आ गया तो 50,000 रुपये रुष्ट दे, रिश्वत के 50,000 चलेगी, अब 2.5 लाख रिश्वत चल रही है 50,000 क्यों, बिना रिश्वत तुम भी नहीं आए, नहीं आए तो कमाने के लिए आए कमाने के लिए नहीं आए, रिश्वत तो लेके नहीं आया ना मैं बाबू जी, मैं सब जानता हूँ। नहीं नहीं मेरा 74.5 की उम्र है कोई मेरी, अच्छा हाँ कोई भी नहीं होगा, तो मोदी राज में तो रिश्वत नहीं चलती ना, वो कहते हैं भ्रष्टाचार का खात्मा हो गया, डबल इंजन का मतलब भ्रष्टाचार का, शुरू से चलिए रिश्वत चलती नहीं तो आडवाणी हटते नहीं, अच्छा आडवाणी हटते नहीं जो गुजरात में मोदी राज में भ्रष्टाचार चल रहा है क्या ग्वालियर में भाई साहब, चल रहा है सब में चल रहा है, चल रहा है भाई साहब भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार कौन सी सरकार में खत्म हुआ, जब से देश आजाद हुआ अब तक भ्रष्टाचार बंद हुआ कभी नहीं होगा। एमपी के मन में कौन है, मोदी या कमलनाथ, मोदी मोदी किस मुद्दे पे सपोर्ट करते हैं, मोदी का ही, मोदी के मुद्दे पे ही, क्या काम पसंद आया, अच्छा काम पसंद आया इसका,